मिलिए उस चाय वाले से जिसकी ईमानदारी की चर्चा कर रहा पूरा कानपुर शहर। यह बात सामने सच है कि धरती पर ईमानदारी कभी खत्म नहीं हो सकती। आज भी यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो वाकई पूरी तरह से ईमानदारी का जीवन जीते हैं। यूपी के कानपुर शहर में हुई एक घटना उन सभी बेईमानों के लिए एक सबक है जो दूसरों का पैसा मारने की फिराक में अपना रात दिन बर्बाद कर रहे हैं। कानपुर के नयागंज लाल फाटक पर रमेश कुमार की चाय की दुकान है। सोमवार की दोपहर बरा निवासी व्यापारी अभिषेक वहां चाय पीने आए थे। अचानक अभिषेक की तबीयत बिगड़ गई और वे वहीं गिर पड़े। इसी दौरान उनके थैले में रखी 500 रुपए के नोटों की गड्डी वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब अभिषेक को होश आया तो वह अपने 50,000 रुपयों से भरे थैले के बारे में सभी से पूछ रहे थे। रमेश ने जब नोटों से भरा थैला अभिषेक को थमाया तो उनकी जान पर जान आ गई। अभिषेक ने उन्हें पुरस्कार के तौर पर 1,000 रुपए दे दिए। इसके बाद से रमेश की ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में हो रहे हैं। व्यापारियों ने रमेश को उनकी ईमानदारी के लिए सम्मानित भी किया है। रमेश ने बताया कि वह रोजाना 250 रुपए कमा लेते हैं। इन्हीं पैसों से उनके घर का खर्च चलता है। उनके 3 बेटी और 2 बेटे हैं। बेटियों की शादी हो चुकी है। 2 बेटे अभी छोटे हैं और पढ़ रहे हैं। रमेश का मानना है कि ईमानदारी से जीवन जीने के कई फायदे हैं, लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते।